हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलेश पीपी लाइव में। मैं आपका अपना बंदा, आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस नहीं रख रहे तो रखना शुरू कर दीजिए, आपके घर भगवान तरसेंगे आशीर्वाद देने के लिए, खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। सिर्फ अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनके चेहरे पर खुशी रखिए। हमारे माता पिता को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना रुपया, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, ना प्रॉपर्टी, ना कार, ना मकान या किसी भी तरह की सुविधाएं। उनको सिर्फ हमसे इतना चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो बदले में हम भी उनके चेहरे पे तो स्माइल रख सकते हैं। फिर देखिए, जब अपना प्यार भरा हाथ आपके सर पे वो फहराएंगे तो आपकी सारी परेशानियां, सारी टेंशन, सारी मुसीबतें चुटकियों में हल हो जाएंगी और आपकी सक्सेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन यूं जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, जी हाँ, उस कंपनी पे हम लोग बहुत यकीन करते हैं और उस कंपनी की गाड़ियों को लेने के लिए हम टूट पड़ते हैं। और क्यों ना टूटे, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग उस गाड़ी पे भरोसा करते हैं और हमारे बजट में आती है। उस कंपनी का नाम बताने से पहले जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन भी कर सकते हैं ज्वाइन का बटन दबा के। हम बात कर रहे हैं वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसपे हम आम जनता, आम लोग बहुत यकीन करते हैं और करना भी चाहिए। हमारे आपके बजट में आती है, मेंटेनेंस उसका कम होता है, सर्विसिंग कॉस्ट कम होती है, माइलेज ज्यादा होता है। वो अपने अब फोर्थ जनरेशन में प्रवेश कर चुकी है। उस गाड़ी के बारे में बताएंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसके पहले अपने भाई का एक मोटो जरूर याद रखिएगा, जब शोरूम जाइएगा तो सवाल आप पूछिएगा वो नहीं, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी लग रही है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइज, आज हम यहां आपको 2024 मारुति सुजुकी के मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरियंट के माइलेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका मूड बदल जाएगा। अगर आप 2024 मारुति सुजुकी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासा अच्छा सिद्ध हो सकता है। जी हां, क्योंकि यहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं 2024 मारुति सुजुकी के मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट के रियल वर्ल्ड माइलेज के बारे में। नए जेड सीरीज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ चौथी जनरेशन की स्विफ्ट का माइलेज काफी बेहतर है। कंपनी मैनुअल और ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति लीटर और 27 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इसका रियल वर्ल्ड माइलेज काफी अलग है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑटो कार इंडिया की माइलेज टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक सिटी में लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड के साथ नई स्विफ्ट के मैनुअल वेरियंट के लिए 14 किलोमीटर प्रति लीटर और AMT के लिए लगभग 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया गया है। अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ने अच्छा काम किया है। फ्यूल बचाने के लिए कार खड़ी होने पर स्टॉप स्टार्ट सिस्टम इंजन को बंद कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है और इंजन बंद होने पर एयर कंडीशन कंप्रेसर, ऑडियो सिस्टम या अन्य इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस को चलाने के लिए कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं लगती है। हाईवे माइलेज की बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ स्विफ्ट के मैनुअल वेरिएंट ने 19 किलोमीटर प्रति लीटर और AMT ने लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया है। इसकी तुलना अगर हम 2018 के सीरीज स्विफ्ट के रियल वर्ल्ड माइलेज से करें तो पुरानी कार में मैनुअल और AMT के लिए क्रमशः 13 किलोमीटर सिटी में और 20 किलोमीटर हाईवे पर और 11 किलोमीटर सिटी में और 18 किलोमीटर हाईवे पर माइलेज दिया गया है। इससे पता चलता है कि न्यू 3 सिलेंडर इंजन अपने पुराने मॉडल की तुलना में सिटी में माइलेज बेहतर है। हालांकि इसका हाईवे माइलेज मामूली रूप से बेहतर है। न्यू स्विफ्ट का इंजन टॉप गियर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग करते समय 2600 आरपीएम की स्पिन करती है, जो अपने पुराने मॉडल से लगभग 100 आरपीएम कम है। मारुति स्विफ्ट की प्राइस 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। सबसे सस्ता मॉडल मारुति स्विफ्ट LXi है, वहीं टॉप मॉडल मारुति स्विफ्ट ZXi प्लस AMT DT है, जिसकी कीमत लगभग 9,60,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। प्राइस लीजिए, आपको आपके भाई ने मारुति स्विफ्ट फोर्थ जनरेशन का माइलेज थाली में परोस के रख दिया है। चूज आपको करना है कि आपके लिए गाड़ी बेहतर है। मेरे हिसाब से तो जिन लोगों का कम बजट है, माइलेज ज्यादा चाहते हैं, मेंटेनेंस कम चाहते हैं,
उनके लिए गाड़ी बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकती है, लेकिन लास्ट चॉइस आपकी ही है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा, कमी जरूर बताइएगा, ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके। और प्लीज गाइज, आपसे आपका भाई रुपए पैसे की डिमांड या इस गाड़ी की डिमांड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या मांग रहा है गाइज? बस ढेर सारा अपनों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।